फैजल, अब तुम इतनी आगे जब आ चुके हो अपने करियर में, तो तुम्हारे हिसाब से किस्मत और मेहनत, इनकी कितनी कितनी वेटेज है तुम्हारी लाइफ में? मैंने दो चीज सीखी है, कोशिश करते जाओ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करते जाओ, मेहनत कभी खाली नहीं जाती, बाकी सब किस्मत पे छोड़ दो। वो एक डायलॉग था ना सिंग इज किंग का, बड़ी अच्छी बातें करने लग गए हैं। तो फैजल, मैं तो जी सच बोलता हूँ, अच्छी अपने आप लग जाती हैं, है ना? तो फैजल, फैन बेस जो तुम्हारा है, मैसेजेस आते होंगे, लाइक्स होते हैं पेज पे, तो व्हाट इज द रेशियो, लड़के कितने फैंस हैं तुम्हारे, लड़कियां कितनी फैंस हैं? यार मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ यार, जब भी अभी जब झलक के लिए मैंने वोट अपील के लिए सारी लड़कियों ने ही किया था, मैं जानना चाहता हूँ लड़के क्यों नहीं, भाई लड़के मेरे भाइयों जलन होती है उनको, जलन की भावना है, कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन क्या, मेरे भाई जैसे सारे लोग हैं। लेकिन जो एक बात फैजल ने कही थी झलक दिखला जा के शो पे, कि मैं जीतना क्यों चाहता हूँ, अपने लिए नहीं बल्कि जिन लोगों ने मुझे वोट किया है उनके लिए जीतना चाहता हूँ। एग्जैक्टली मैंने वो बात इसलिए कही थी क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप किसी चीज को लेकर अगर पॉजिटिव सोचो तो आपको मिलती है। तो झलक के वक्त जिसने भी एक पल भी मेरे बारे में सोचा कि फैजल जीते, तो वो पॉजिटिव वाइब्स आई है मेरे पास, तो इसीलिए बस मैं चाह रहा था कि मैं झलक जीतूं उनकी सोच की वजह से।